ज्योति कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में हम अपना नमस्कार पहुंचाते हैं और हमारे स्नेह अभिवादन भी करते हैं। हम आशा रखते हैं कि पिछले हफ्ते के हमारे कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत तायर से प्रभु आशीष ले आया, और हमारी यही आशा है कि आने वाले कार्यक्रम में भी प्रभु आपको और आशीष करे। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा पाप का पतन और उसके द्वारा उसके नतीजों के बारे में हमने देखा। आज हम उसके बारे में और गहराई से हम देखेंगे, और उस पर देखने से पहले मैं एक कलाम पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद एक गीत भी गाएंगे। यूहन्ना की इंजील उसका छठवां अध्याय उसकी 68 और 69 वचन में पढ़ना चाहूँगा। फिर यीशु ने अपने 12 शिष्यों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएंगे? वे वचन तो तेरे पास हैं जो अनंत जीवन देते हैं। ये कहानी नए नियम में परमेश्वर के कलाम में दिया है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की रोटी के बारे में एक प्रवचन दिया, और उस प्रवचन के बाद लोगों को ये समझ नहीं आया क्योंकि वो उसके वचन जो थे कठिन थे, तो लोग उसको छोड़ के जा रहे थे। तो उसने अपने 12 चेलों को देख के बोला, क्या तुम भी इनकी टोली में जाना चाहते हो? तब शमौन ने यूं कहा, हम किसके पास जाएं? आज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, आप दुनिया में हर जगह आप कोशिश करें, वहां पर कहीं पर भी आशा नहीं। एक ही जगह पर आशा है, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन है। वो अनंत जीवन के वचन है, वो जीवन देने वाले वचन है, वो जीवनदायक है। और मैं यही प्रार्थना करता हूं, यही आपका आपके लिए एक ठिकाना है, यही एक जगह है आप जहां पर आशा और जहां पर आप ईमान पा सकते हैं, जहां पर आप खुशी पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं। आए हम एक गीत की ओर जाएं। इस गीत के बोल ऐसे हैं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो। पाप क्षमा कर, जीवन
महिमा का राज सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा हर पल सुनाते हैं आनंद का राग पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा हर पल सुनाते हैं आनंद का राग मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो हृदय से प्रार्थना क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया याचना करूं पतित जीवन में ज्योति जला दे तुझ ही से लगी है आशा मेरी पतित जीवन में ज्योति जला दे तुझी से आशा लगी है मेरी पाप तन को दूर हटा दे पूर्ण हो अभिलाषा मेरी पाप तन को दूर हटा दे पूर्ण हो अभिलाषा कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से सामना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना फ्रेड बहुत खुशी की बात है आप हैं हमारे बीच में और आज हम फिर से आशा रखते हैं परमेश्वर का कलाम हमारे श्रोताओं के लिए हमारे दर्शकों के लिए आशीष का कारण बनेगा। ब्रदर उत्पत्ति की किताब उसकी तीसरी अध्याय उसके 14 से पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर का वचन को सुने। उत्पत्ति का तीसरी और उसकी 14वीं से मैं शुरू करूँगा। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने, आदर के साथ सुने। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं से सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसका एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो मेरे अजीज सुनने वाले देखने वाले, हम प्रभु का वचन की तरफ ध्यान दें।
कि क्या हुआ कि उस समय परमेश्वर उस सर्प जो शैतान ने जो उस एक सर्प एक सांप के रूप में आया था उनके पास, उनको किस तरीके से परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने के लिए भरमाया, और उसके बाद क्या होता, परमेश्वर उस सर्प से पहले बोल देता है, और इसके ऊपर हम पूरा ध्यान आज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक बहुत गहरी बात है। एक तो सर्प को ये श्राप दिया उसने कि तू पेट के बल चलेगा, मिट्टी खाएगा, और इस तरीके से हम देखते हैं आज तक ये सांप जो होता है वो पेट के बल सबसे नीचे इस तरीके से चलना पड़ता है उसको। लेकिन क्या है कि वो बताता है उस स्त्री को, वो भी सुन रही है, तो बताता है कि स्त्री का जो वंश है और तेरे वंश के बीच में मैं एक बैर उत्पन्न करूँगा और वो तेरा सर कुचलेगा और तू उसका एड़ी डसेगा। तो इस तरीके से इस विषय में हम बाद में बताएंगे, इसका बहुत गहरा एक मतलब है जो यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है, उस विषय में हम फिर कभी और आगे बताएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा एक आशा परमेश्वर देता है कि और फिर आगे क्या है, वो स्त्री से बात करता है, फिर उसने उस स्त्री से कहा कि तेरा पीढ़ी और तेरा गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाएगा परमेश्वर। तो इस विषय में भाई इब्राहिम आप बताएं। तो एक तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चंद समय के लिए ऐसे लगता है कि आदमी का पतन पाप में वो गिर गया, तो ये सोचकर हमारे चिंतन में ये आ जाता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मगर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बनाने वाला, सबका सृष्टि करने वाला, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर जो है वो सामर्थी है। उसने सर्प को श्रापित किया, जो शैतान ने जो उसने पात्र भेजा था उसको उसने श्रापित किया। कहने का मतलब सबके ऊपर प्रभुता और अधिकार परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने एक योजना भी बनाई। हम देखते हैं कि सांप जो है सबसे श्रापित जानवर या जंतु है सारे जानवरों में, और वो मिट्टी में रेखता है, तो मिट्टी खाएगा। ये एक कहावत भी है, कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर ऐसा एक श्राप परमेश्वर ने कहा जो उसकी जिंदगी भर या उसके जीवन भर वो उसको सहेगा। मगर हम आगे भी देख सकते हैं कि पाप में नतीजे भी होते हैं, मतलब हम जो कुछ भी करते हैं उसके नतीजे होते हैं। हम कुछ भी करें, अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको स्नातकता मिलती है, अगर कुछ टूट जाती है तो उसको भुगतना पड़ता है। मतलब मैं ये मिसाल के तौर पर देता हूँ, जो कुछ भी आप करते हैं उसका एक परिणाम होता है। तो मनुष्य ने जो पाप किया उसका परिणाम भी हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने क्या है, उसने उनके ऊपर कुछ बातें कही जो उनके उससे उसके द्वारा जो पूरी जो मानव जाति के ऊपर वो एक तरफ से उसका जो असर पड़ा। पहले तो हम देखते हैं औरत को बोला कि तेरे बड़े दर्द के साथ तू बच्चे को जनेगी, बच्चे को जन्म देगी। कहने का मतलब ये है कि जो एक गर्भधारण जो एक सत्यता है, ये परमेश्वर का कलाम इसके बारे में बताता है, इसकी शुरुआत यहीं पर होती है। चाहे आप कोई भी भाषा के बहन हो, चाहे आप भारतवर्ष के हो या पाकिस्तान के हो या आप दूसरे जापान के हो, चीन के हो, या आप कोई भी भाषा बोले अफ्रीका के हो, कहीं के भी हो, जो औरत है उसको उस प्रक्रिया से होके जाना पड़ता है। और वो जो जन्म जो है वो शादी के दायरे पे, मतलब शादी के दायरे के बाहर जो होता है वो अवैध है, वो पाप है। जो मतलब परमेश्वर कलाम कहता है शादी सबसे आदर के योग्य और बिछौना जो है निष्कलंक है। कहने का मतलब जो कुछ शादी के अंतर्गत जो हो रहा है वो ठीक है, पर उसके बाहर जो है वो गलत है। तो मैं कुछ भाइयों से भी और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे कोई अवैध रिश्तों में हैं तो मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ बड़े हलीमी के साथ कि आपके जो रिश्ते हैं वो गलत हैं। या तो आप शादी के उस रिश्ते में आ जाएं, या नहीं तो आप अपने आप को अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पापमय जीवन है, वो परमेश्वर उसको आधारित नहीं करता, ही डजंट अलाउ दैट।
और दर्द के साथ 9 महीने जो माँ, हर माँ जो है 9 महीने का गर्भ धारण करती है, जो जो बीज उस आदमी से उनके जो जो बीज होता है, वो बीज जब फलता है, वो बच्चा जन्म होता है, वो उस बीज में वो 9 महीने वो बच्चे को अंदर लेके चलती है। उसके बाद जो जो दर्द जो सहती है वो असामान्य दर्द होता है, और ये एक सत्यता है, ये हम देख सकते हैं। और आगे लिखा है तेरी जो लालसा जो है तेरे पति के प्रति होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ वो जरा देखेंगे ब्रदर, जरा उस पर आगे कुछ बताएंगे। हाँ, ये भी हम एक वो नतीजा देखते हैं स्त्री के लिए। अभी तो हम स्त्री के लिए बात कर रहे हैं, आगे को आदम से क्या शब्द बोला खुदा ने, परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ पर स्त्री का संबंध फर्क हो जाता अपने पति के साथ। लिखा हुआ है कि तेरा लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और ये हम देखते हैं कि ये इस दुनिया में ऐसे ही होता, हर जगह में ऐसे ही होता है। संबंध जो है स्त्री और आदमी का फर्क हो गया, शादी के रूप के तौर पे वो अधीन में, स्त्री अधीन हो जाती है आदमी का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी स्त्रियों को गलत रूप से देखें। बाइबल में आगे को साफ लिखा है खुदा ने, परमेश्वर ने, कि पतियों अपने पत्नी से ऐसा प्रेम रखो, उनको प्यार से अपने साथ रखो, क्योंकि वो भी परमेश्वर और आदमी और औरत को बराबर देखता है, समझता है। लेकिन इस समय उनका जो पाप का नतीजा, उनका एक तौर से उनका सज़ा जो मिला, वो इस तरीके से हुआ। आगे हम पढ़ के देखते हैं कि आगे लिखा हुआ, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। तो ये शब्द आदम ने अपना पत्नी का नाम हव्वा रखा, इसका ये इब्रानी शब्द है, इसका मतलब है जीवन, यानी वो सब जीवित मनुष्यों का आदि माता हुई। एक इसमें एक बड़ा अच्छा एक हम सबक ये सीखते हैं कि हम जितने भी अलग अलग जाति हैं दुनिया में, हम अलग अलग देश के लोग हैं, देखने में कोई गोरा, कोई काला, कोई ब्राउन, कोई बीच में भूरा, कोई कोई पीला रंग सा होता है, हमारे बाल अलग अलग रंग के होते हैं। लेकिन हमारा बाइबल परमेश्वर का वचन में साफ लिखा हुआ है कि हम सब एक ही कुल के हैं, एक ही शुरू में एक ही माता पिता हमारे सब का हुआ। तो एक तौर से हम एक ही परिवार के हैं, जितने भी दुनिया में हम अलग जाति के लोग हैं। और कहने का मतलब है कि रेसिज्म जिसे कहते हैं कि हम पक्षपात रखते हैं, बैर रखते हैं दूसरे लोग जो हमारे से फ़र्क दिखते हैं, ये सब पाप, ये भी पाप माना जाता है बाइबल में। परमेश्वर की निगाह में हमें किसी से बैर नहीं रखना है जो हमारे से अलग है, हम सब एक कुल, एक परिवार के हैं। ये एक अच्छा शिक्षा इसमें हमें ये मिलता है। या उधर ऐसे लिखा है कि हवा जो कि का अर्थ जो इब्रानी में, जैसे भाई आपने कहा कि वो जीवन देने वाली वाली या लाइफ मदर ऑफ ऑल, हाँ, तो ये एक सत्यता है कि हमें ये सच्चाई को पहचान लेते हैं। मैं उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा और कहना यही चाह रहा था कि हमारी जो शुरुआत जो है, हमारे जो लाइफ का जो आरंभ जो है, उसमें जो है हम एक ही कुल के हैं, यानी तो एक ही रेस के हैं, कुछ अलग नहीं है और कोई फ़र्क नहीं है। आदमी जो है एक ही रेस का है, वो जो जाति पात जो है ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, जात पात ये सब जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि आप काले आदमी के हाथ को काटे तो खून निकलेगा, या गोरे आदमी का हाथ काटे तो खून निकलेगा, चाहे आप ऊंचे जाति के हो या ब्राह्मण हो या नीच जात की हो, कोई फर्क नहीं है। दर्द तो सबको होता है, मौत सबके सामने आती है, मतलब ये सच्चाई है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप एक फर्क दिखा दीजिए कि मतलब आप उनमें दर्द होता है, वही जज्बा होती है, खुशी होता है, सब कुछ होता है, बच्चे भी ऊंचे और नीचे जाति जो बोलते हैं उस सब में सब लोग जन्म देते। मतलब कहने का मतलब ये जो मनुष्य के बनाए द्वारा वाले ये झूठे जो ये जो बनावटी बातें हैं, सच्चाई तो ये है कि हम सब एक ही परिवार के हैं, हम एक ही परिवार के हैं। ये सत्यता को जाना, हमारा एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग का स्वर्गीय पिता है,
और वो हमसे प्यार करना चाहता है, वो हमसे रिश्ता बनाना चाहता है, और आपस में हमारे भाई भाई बहनों से हमारा रिश्ता होना चाहिए। किसी को से हम बैर नहीं कर सकते। केवल जो दुनिया ने जो बनाई जो 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 नियम और ये जो है वो दुनिया भी हैं, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ये एक सत्यता है। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से भी कुछ बातें कही, वो जरा भाई जरा पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंटकारे उगाएगी और तू खाते और सॉरी तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। या भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे कारण जो है भूमि को श्रापित किया गया, इसलिए हम देखते हैं कि भूमि जो उपज देने वाली थी वो उसका जो उपजाव जो है वो ख़त्म होता जाता है जब बरसात नहीं होती और जब उसके खाक उसके अंदर ज़्यादा मिनरल्स नहीं होते या प्रोड्यूसिंग नहीं होता, तो हम देखते हैं कि उतना फलदायी नहीं है, तो आदमी को मेहनत बहुत करना पड़ता है। कई जगह रेगिस्तानों में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि वहाँ पर कुछ भी उगता नहीं, सारे कांटे उटकटकारे होते हैं, और उसी प्रकार जब बारिश नहीं होती है तो भूमि जो है एक तरफ से बिल्कुल बिल्कुल सूखी हो जाती है, उसमें आप कुछ भी बीज डालें तो वो बीज उगता नहीं है। तो सच्चाई ये है कि आदमी को मेहनत करना पड़ता है, तो ये एक सत्यता, ये एक दर्द भी है, एक सच्चाई भी है कि मेहनत करके अपने परिवार का पोषण करना है, ये आदमी से कहा गया है। मैं उन आदमियों से बोलना चाहता हूँ कैमरा को देख कर कि भाई आपको घर पे बैठने के लिए नहीं प्रभु ने कहा, आप जाके काम करिए, और हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से आपको जॉब मिल जाए, और आप आपको आजकल के डेट में ऑफिस में लोग काम करते हैं, पर जो आदमी का जो पहला जो जो प्रोफेशन जो था वो फार्मिंग था, और वो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, और अपने पसीने से अपने पसीना जो है उससे वो जीवित रहेगा, और ये एक सत्यता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के कलाम की जो बातें जो है बिल्कुल सच्ची हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है, और वो जो सच्चाई जो है हर रोज़ हम देखते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ये जो बात लिखी है ये मतलब ये तो केवल इन लोगों के लिए ही आधारित, ऐसा नहीं है। सब लोग जाके काम करते हैं, सुबह उठते हैं, नौकरी पे जाते हैं, आज हम भी इधर नौकरी पर ही आए हैं और नौकरी करते हैं, पर यह है कि वो रोज मेहनत करना पड़ता है, वो घर बैठ नहीं सकता, उसके जीवन भर इसके लिए वही एक 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 उसने आज्ञा दी, परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि तेरा जीवन भर तू मेहनत से अपना रोटी खाएगा। और आखिरी बात यह है कि ये एक और सच्चाई है, जैसे हमने औरत के बारे में बोला और आदमी और औरत के बारे में, तुझे मिट्टी से लिया गया है, तो मिट्टी का है और तुझे मिट्टी में जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी हो, आप कोई भी भाषा के हो, आप कहीं भारतवर्ष के या दूसरे देश के कोई भी भाषा के हो, कुछ भी हो, आप जो औरत से जिसने जन्म लिया सबने मरना है, सबने जाना है, मिट्टी में वापस जाना है, तो ये एक सत्यता है। आए हम हमारे प्रोग्राम के अंत पे आ जाते हैं, हम दुआ करने वाले हैं। एक तो हम दुआ करते हैं कि प्रभु आपको शैतान के चुंगल से छुड़ाए, शैतान ने जैसे औरत को भरमाया, और आज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर आपका पूरा ईमान होना चाहिए और वो जो है आपको छुड़ाएगा। उसने एक रास्ता और एक मार्ग बनाया कि प्रभु यीशु मसीह को, उसके बारे में हम अगले हमारे प्रोग्राम में काफ़ी विस्तार से हम उसको सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। मगर मैं आज अपने श्रोताओं से या मेरे दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह जो है आपको पाप से छुड़ाना चाहता है, जैसे हमने गाना गाया, पापमय तन को पूर्ण चंगा कर दे, पूर्ण कर दे, संपूर्ण कर दे, मुझे बिल्कुल मोक्ष दिला दे प्रभु, मेरे को मैं उस मोक्ष के तीर्थ पे हूँ, मुझे तू चला, मेरा मार्गदर्शन कर। वो जैसे लिखा है, पापो हो पाप कर्म पाप संभव, उसमें लिखा है हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पाप करता रहता हूँ और मैं पाप में ही मेरा जन्म हुआ है, ओ तू जो अनुग्रहकारी परमेश्वर जो है मुझे पाप में से छुड़ा दे। ये एक सच्ची ये एक प्रार्थना जो एक सच्चाई है कि आदमी पाप में है, परमेश्वर आपको उस पाप से छुड़ा सकता है,
है, जब प्रभु यीशु मसीह पर आप ईमान लाते हैं और जब आप उसको उसको अपना अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जब आप उसको स्वामी मानते हैं, तो वो आपके जीवन में आता है और आपका जीवन बदल देता है। उसको बोले प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाए। मैंने एक भाई का गवाही सुना, उन्होंने ऐसे प्रार्थना की, लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को माफ़ कर, मेरे दिल में आ जाए। उन्होंने कहा कि चुटकी में सारा चीज़ बदल गया, ये बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। वही केवल सच्चा परमेश्वर, और कोई परमेश्वर नहीं, और कोई देवी देवताएँ नहीं, वही है, उसी के द्वारा ही उद्धार है। और मैं हमारे बहनों के लिए दुआ कर भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई अभी गर्भ धारण कर रहे हैं, प्रभु आपके गर्भ को आसान कर दे, आपके दर्द दर्द में भी प्रभु आपको इतनी सहायता और मदद करे, और अच्छा खुशहाल अच्छा एक बच्चा चंगा बच्चा प्रभु आपको दे। आए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, तेरे सन्मुख पर आए हैं। हम दुआ करते हैं सारे भाई बहनों के लिए, और जो भी प्रभु जी जहाँ पर भी हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, तू उनको पूर्ण तौर से चंगा कर, उनके सारे बीमारियों को दूर कर। हालेलुया। जो गर्भ धारण कर रहे हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं सही समय पर उनको तू छुटकारा दे। हम उन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जिनके पास काम काज नहीं, तूने कहा कि वो नौकरी करके मेहनत करके अपने घर को चलाएंगे, तू उनको नौकरी दे। हालेलुया। हम दुआ करते हैं जो पाप के अधीन में है, पाप से उनको छुड़ा। हालेलुया। उन विभिन्न प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम डांट देते हैं। कैंसर की बीमारी, अंधी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं दुष्ट की ताकतें सारे और टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं शत्रु के सारे काम निर्बल और दुर्बल हो जाए। हालेलुया। प्रभु तू उनके जीवन में प्रभुता करे, उनके जीवन को तू आशीषित कर, उनके जीवन में चैन और खुशी ले आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम दुआ करते हैं कोई भी प्रकार का रोगी हो, आज तू उसको चंगा कर। हालेलुया। आत्मा प्राण शरीर को चंगा कर। हालेलुया। हम दुआ करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा बहुतायत से तू लोगों को आशीष करे, हमारे दर्शकों को तू इतनी बरकत दे, उनके जीवन को तू बदल दे, ताकि वो तेरे तेरे मार्ग में चलें। हालेलुया। हर बातों के लिए तेरा हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा तुझे हम देते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे भाई बहन, तुमने हमारे कार्यक्रम को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा रखते हैं कि आने वाले कार्यक्रमों में प्रभु आपको आशीषित करेगा, और अगर आपको हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा और कलाम के द्वारा आशीष मिला है, तो ज़रूर आप हमें ईमेल से, फ़ोन से या पोस्टल के द्वारा आप हम पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो इन्फॉर्मेशंस कॉन्टैक्ट्स स्क्रीन के नीचे दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें।